हेलो फ्रेंड, निटिंग डिज़ाइन में देखिए प्यारा सा मल्टी कलर डिज़ाइन, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी डिज़ाइन है। आप इस डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। स्वेटर में बनाइए, कार्डिगन पे, बेबी कैप, बेबी ब्लैंकेट, कहीं भी इस डिज़ाइन को बनाइए। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी डिज़ाइन है और इसे मैंने 3 रंगों से बनाया है। एक हमारा रेड है, एक ब्लैक है और वाइट है, और एक बार में सिर्फ 2 कलर हमारे चलते हैं। एक बार मैंने वाइट और ब्लैक से डिज़ाइन बनाई और एक बार मैंने रेड और वाइट से बनाया है। तो कितनी खूबसूरत और प्यारी से हमारी ये डिज़ाइन बन के आई है। और ये देखिए मैं बैक साइड दिखाती हूँ, बैक साइड से हमारी डिज़ाइन ये इस तरह से दिखती है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 8-8 के मल्टीपल फंदे चाहिए, मल्टीपल ऑफ 8+1। 8-8 के मल्टीपल फंदे रखेंगे और उसमें एक और ऐड कर देंगे, तो जहाँ स्टार्टिंग हमारी जिस कलर से आएगी वही हमारा लास्ट में भी आएगा। तो यहाँ पे ये डिज़ाइन मैं 41 फंदों में आपको बना करके दिखा रही हूँ। तो आइए इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। ये देखिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले बॉर्डर बनाना होगा, और बॉर्डर बनाने के बाद हमारी ये डिज़ाइन स्टार्ट होगी। तो इस डिज़ाइन की फर्स्ट रो में सबसे पहले हमारा ये ब्लैक कलर आएगा, और ब्लैक कलर से हम 1, 2, 3 और 1, 4, ये 4 फंदे ब्लैक के हो गए। अब यहाँ पे हम वाइट कलर लेंगे, 1 हमारा वाइट, और देखिए 1 वाइट के बाद फिर हमारा ब्लैक आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे ब्लैक से। तो स्टार्टिंग में 4 फंदे ब्लैक के रहेंगे, उसके बाद 1 हमारा वाइट और 7 फंदे ब्लैक, पूरी रो में हम बार बार रिपीट करेंगे। तो 1 हम वाइट से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7, फिर 1 हमारा वाइट आ जाएगा। तो हम बना करके दिखाते हैं। और ये देखिए 1 वाइट 7 ब्लैक 1 वाइट 7 ब्लैक इस तरह से करते हुए आएंगे, तो लास्ट में 1 वाइट के बाद 4 फंदे हमारे ब्लैक के रहेंगे। ये देखिए स्टार्टिंग में भी 4 फंदे ब्लैक के थे और लास्ट में भी 4 ब्लैक है, और बीच में हर बार 7 फंदे ब्लैक के हैं। ये हमारी बैक साइड से रो नंबर 2, जिसमें 1, 2, 3 हमारे ब्लैक से, 1, 2, 3 वाइट, अब हमारा ब्लैक कलर से 1, 2, 3, 4, 5 हमारे ब्लैक से हो जाएंगे। तो शुरू में हमारे 3 फंदे ब्लैक रहेंगे, उसके बाद हम 3 फंदे वाइट, 5 ब्लैक, पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे। तो रिपीट करके दिखाते हैं, 1, 2, 3 वाइट, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे ब्लैक, 1, 2, 3 हमारे वाइट और फिर 5 फंदे ब्लैक के। तो इसी तरह से 3 वाइट और 5 ब्लैक पूरी रो हमें बनाना है। और ये देखिए जब रो के लास्ट में आएंगे तो 3 फंदे वाइट के बाद 3 फंदे हमारे ब्लैक से रहेंगे। ये हमारी रो 3 है, और रो 3 में सबसे पहले 1, 2 हमारे ब्लैक से हो जाएंगे, वाइट कलर से 1, 2, 3, 4, 5, अब हमारे 5 फंदे वाइट के हो गए, 1, 2, 3 फंदे ब्लैक, अब हम 5 वाइट 3 ब्लैक पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे। इस ब्लैक को हमें वाइट कर देना है, 1, 2, 3, 4 और 1, 5, फिर इस ब्लैक को ब्लैक से करेंगे, 1, 2, 3, फिर 5 हमारे वाइट से आ जाएंगे। तो इस तरह से पूरी रो बना करके और फिर आपको दिखाते हैं।
और ये देखिए जब इन्हीं फंदों को रिपीट करते आएंगे तो लास्ट में ये 1, 2 हमारे ब्लैक कलर से रहेंगे। ये हमारी रो 4 जिसमें 1 हमारा ब्लैक, अब वाइट कलर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे वाइट से। तो 1 ब्लैक 7 वाइट अब हमें पूरी रो में बनाना है। 1 हमें ब्लैक से करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 फिर 1 हमारा ब्लैक। तो 1 ब्लैक 7 वाइट 1 ब्लैक 7 वाइट करते आएंगे तो लास्ट वाला 1 हमारा ब्लैक से रहेगा। ये देखिए रो 4 तक हमारी ये डिज़ाइन बन गई और रो 4 तक मैंने ब्लैक और वाइट से बनाया है। अब हम रो नंबर 5 पे वाइट और रेड कलर से डिज़ाइन को बनाएंगे। तो ये पहला वाला फंदा जो ब्लैक है इसे पहले हम 1 वाइट करेंगे। ये पहले वाले फंदे को 1 वाइट किया और इसके बाद हमारा रेड आएगा और रेड कलर से 1 हमारा रेड। अब इसे ही देखिए पूरी रो में हमें बार बार रिपीट करना है, 1 वाइट 1 रेड फिर 1 वाइट 1 हमारा रेड, 1 वाइट 1 रेड और जब देखिए ये ब्लैक वाला फंदा हर बार देखिए हमारा ये वाइट कलर से बनेगा, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से इस पूरी रो को बना करके और फिर दिखाते हैं। ये देखिए 1 वाइट 1 रेड 1 वाइट 1 रेड करते आएंगे तो लास्ट वाला फंदा भी हमारा 1 वाइट से रहेगा और इस तरह से ये डिज़ाइन बन गई। ये हमारी रो नंबर 6 है और इसमें देखिए पहले 1, 2 फंदे हम वाइट से करेंगे और अब यहाँ पे हमारा रेड आएगा, 1 रेड 1 वाइट 1 रेड 1 वाइट 1 हमारा रेड से, 1, 2, 3 फंदे वाइट के। तो देखिए स्टार्टिंग में 2 फंदे हमारे वाइट के हैं, इसके बाद 1 रेड 1 वाइट 1 रेड 1 वाइट किया तो रेड के 1, 2, 3 बार एक एक फंदे हमारे ये रेड के आए हैं और फिर 3 फंदे वाइट के। और ये देखिए जब मैं 1 रेड और वाइट कर रही हूँ तो ये वाइट वाले फंदे रेड बनेंगे और रेड वाले फंदे को वाइट करना है। तो हम करके भी दिखाते हैं, ये 1 रेड इस रेड को वाइट करेंगे, 1 वाइट 1 रेड 1 वाइट 1 हमारा रेड। देखिए 1, 2, 3 बार एक एक फंदे हमारे रेड के हो गए, अब 3 फंदे वाइट, 1, 2, 3 हमारे वाइट से। तो इसी तरह इस पूरी रो को हमें बनाना है। ये देखिए जब मैं इन्हीं फंदों को रिपीट करती आई हूँ तो लास्ट में 1 रेड के बाद 2 फंदे ही हमारे वाइट के रहेंगे। हर बार बीच में देखिए ये 3-3 फंदे हमारे वाइट के हैं लेकिन स्टार्टिंग में और लास्ट में 2-2 फंदे हमारे वाइट के रहेंगे। ये हमारी रो 7 है जिसमें 1, 2, 3 फंदे वाइट, 1 रेड 1 वाइट 1 हमारा रेड से, अब वाइट कलर से 1, 2, 3, 4 और 5। तो स्टार्टिंग में देखिए सिर्फ 3 फंदे ही हमारे वाइट के हैं और इसके बाद 1 रेड 1 वाइट 1 रेड के बाद 5 फंदे हमारे वाइट के रहेंगे। तो एक बार और बना के दिखाते हैं, 1 हमारा रेड, 1 वाइट 1 रेड 1, 2, 3, 4, 5 फंदे वाइट के। फिर यहीं से हम रिपीट करेंगे, 1 रेड 1 वाइट और 1 हमारा रेड। और ये देखिए जब रो की लास्ट में आएंगे
तो इस रेड के बाद 3 फंदे हमारे वाइट से रहेंगे। ये हमारी रो नंबर 8, जिसमें 1, 2, 3, 4 हमारे वाइट से, 1 हम रेड से करेंगे। और इसके बाद ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वाइट और 1 हमारा रेड। तो स्टार्टिंग में से 4 फंदे रहेंगे, उसके बाद 1 रेड 7 वाइट 1 रेड 7 वाइट पूरी रो हमारी बनेगी। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे वाइट्स हो जाएंगे और ये बीच वाला 1 हमारा रेड, फिर 7 फंदे वाइट। तो इस तरह से 1 रेड और 7 वाइट पूरी रो बना करके फिर दिखाते हैं। और ये देखिए इन्हीं फंदों को जब रिपीट कर देंगे तो लास्ट में 1 रेड के बाद ये 1, 2, 3, 4 हमारे वाइट से हो जाएंगे। ये देखिए रो 8 तक हमारी डिज़ाइन बन गई। और इसके बाद फिर रो नंबर 1 से लेकर रो नंबर 8 तक की डिज़ाइन को जब हम बार बार रिपीट करेंगे तो ये देखिए हमारी डिज़ाइन कितनी खूबसूरत बन के आएगी। ये देखिए इसी 8 रो की डिज़ाइन को मैंने जब बार बार रिपीट किया है तो कितनी खूबसूरत और प्यारी सी डिज़ाइन मेरी बन के आई है। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी। थैंक यू।